हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये नए तरीके से किनारा बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको दूसरे तरीके से किनारा बनाना बताया था। इस वीडियो में मैं आपको दूसरे तरीके से ये जो लाइनें हैं, मैं आपको ये तरीके से लाइन बनाना बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते। इसके लिए हमने यहाँ पर पिंक कलर लिया है, ब्लू कलर लिया है, 3-ply ऊन है हमारा, 10 नंबर का हुक लिया है। कलर आप कोई सा भी 2 कलर ले सकते हैं। आप सबसे पहले हमें ब्लू कलर का यूज करना है। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगानी है, अच्छे से इसे टाइट कर लेना है। फिर हमें 8 चैन, ये हमने 8 चैन बना लिया। फिर जो हमारा पहला चैन है वहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 चैन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमें 12 पफ बनानी है। तो ये हमें लूप को हमने लंबा किया। हमें 5 टाइम धागे को निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर ये जो धागा है हमारा, ये जो धागा है, इस धागे को इस तरह हमें अंगूठे से दबा के रखना है। और फिर इसे सभी को हमें बाहर निकाल लेना है धागे से। फिर हुक पे हमारा लूप है, फिर जो धागा हमने इसे रखा है दबा के थंब से, उसके अंदर से हुक को लेना है। फिर हमें यहाँ पे एक लूप बनानी है और फिर दोनों लूप को हमें ले लेना है। ये हमारा पहला पफ है। फिर 2 चैन, फिर इसी तरह हमें आगे बनानी है। ये हमने 5 टाइम धागे को हमने निकाल लिया। फिर इस धागे को हमें थंब से इस तरह दबा के रखना है और फिर इस तरह सभी धागे से हमें बाहर निकालना है। लूप में हमारा 2 धागा है। फिर इस धागे से हमें लूप को बाहर निकालना है और फिर तीनों धागों को हमें, तीनों लूप को हमें ले लेना है। फिर 2 चैन, इसी प्रोसेस से हमें ये सर्कल के अंदर 12 पफ बनानी है। 2 हमने बना लिया है, बाकी की 10 पफ हमें इसी तरह बनानी है सेम प्रोसेस से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल के अंदर हमने 12 पफ हमने बना लिया। ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हमने 2 चैन बनाया। फिर जो हमारा पहला पफ है वहाँ पर इसे हमें तरह स्लिप स्टिच से इसे हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। फिर 1 चैन धागे को हमें कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे दूसरा कलर लेना है, इसमें धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर जो हमने पहला राउंड जो हमने कंप्लीट किया, अब हमें वो लेना है। कहीं पर भी इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। इसे हमने इस तरह ज्वाइंट कर लिया। फिर 1 चैन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर उसी तरह हमें यहाँ पे भी पफ बनानी है। 5 टाइम धागे को हमें लेना है। फिर उसी तरह सेम प्रोसेस से हमें पफ बनानी है। ये देखिए, फिर 2 चैन, फिर जो अगला स्पेस है फिर हमें वहाँ पे बनानी है। 5 टाइम हमने धागे को लिया। फिर ये जो धागा, इसे हमें थंब से इस तरह पकड़ के रखना है। फिर सभी धागे को हमें लूप में हमें सिर्फ 2 धागा रखना है। ये देखिए, जो हमने 2 चैन बनाया था वो वाली लूप है। फिर हमने जो सभी धागे से जो पार हमने किया वो वाली लूप है। फिर ये जो धागा हमने थंब से पकड़ के रखा था, दबा के रखा था, उसमें से फिर हमें एक लूप को बाहर निकालनी है और फिर तीनों लूप को हमें ले लेना है। ये देखिए, फिर 2 चैन, इसी तरह हमारे जितने भी गैप हैं सभी पफ के बगल में, जो हमने 2-2 चैन जो बनाया था फर्स्ट राउंड में, इनके जो बीच में जो गैप है, यहाँ यहाँ हमें अब पिंक कलर से हमें पफ बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक कलर से हमारा लाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमने 2 चैन बना लिया। फिर जो हमारी पहली पफ है, स्लिप स्टिच से यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 चैन, फिर हमें पिंक कलर के धागे को हमें कट कर लेना है। ये हमने पिंक कलर का धागा हमने कट कर लिया, ब्लू कलर का धागा हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। फिर 1 चैन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर सेम प्रोसेस से हमें पफ बनानी है। ये हमने 1 पफ बना लिया। फिर 2 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें
एक और पफ बनानी है, हमने ये पफ बना लिया। फिर यहाँ पे दो चैन, फिर जो अगला स्पेस है यहाँ पर भी हमें दो पफ बनानी है, सेम प्रोसेस है। ये देखिए, ये हमने हर स्पेस में हमें दो दो पफ बनानी है और बीच में हमें दो दो चैन लेना है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। हर स्पेस में हमें दो दो पफ बनानी है और बीच में हमें दो दो चैन रखना है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी लाइन भी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा पहला पफ है यहाँ पर, इसे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है एक चैन, फिर धागे को हमें कट कर लेना है। फिर हमें पिंक कलर धागा ऐड करना है। फिर हमें यहाँ पे एक चैन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर जिस तरह हम पफ बना रहे हैं उसी तरह हमें पफ बनानी है। यहाँ पे पफ बना लिया। फिर हमें यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन हमें लेना है। फिर जो अगला स्पेस है, हर स्पेस में हमें अब इसी तरह एक एक पफ बनानी है, पिंक कलर्स की चैन बनानी है, एक दो तीन। ये देखिए, फिर जो अगला स्पेस है फिर यहाँ पे हमें पफ बनानी है। हर स्पेस में हमें एक एक पफ बनानी है, बीच में हमें यहाँ पे तीन तीन चैन लेना है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। ये हमारी चौथी लाइन है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चौथी लाइन हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है पिंक कलर का। यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन कर लिया है स्लिप स्टिच से एक चैन, धागे को हमें कट कर लेना है। ये हमने यहाँ पे पिंक कलर का धागा कट कर लिया। फिर उसके बाद वाला जो स्पेस है यहाँ पर हमने ब्लू कलर का धागा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। फिर एक चैन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक दो तीन, जो तीसरा राउंड हमने जिस तरह बनाया था ब्लू कलर से, उसी तरह हमें ये पाँचवीं लाइन भी हमें इसी तरह बनानी है। फिर दो चैन, फिर यहाँ पर उसी स्पेस में हमें एक और पफ बनानी है। फिर हमने यहाँ पर पफ बनाया, फिर तीन चैन, फिर अगली स्पेस में फिर हमें यहाँ पे दो पफ बनानी है, फिर तीन चैन। ये देखिए, दो पफ के बीच में हमें यहाँ पे दो चैन लेना है, और फिर दो पफ के बाद का जो स्पेस है यहाँ पे हमें तीन चैन लेना है, तीन तीन चैन बनानी है। इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पाँचवीं लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा पहला पफ था यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लिया। अब हमें धागे को कट नहीं करना है। अब हमें जितनी भी रोज बनानी है, रोज सब हमें ब्लू कलर से ही हमें बनानी है। ज्वाइन कर लिया। फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ पर, फिर हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर जिस तरह हमने पाँचवीं लाइन बनाया है उसी तरह हमें अगली छठी लाइन भी हमें बनानी है। स्पेस में हमें पर हमें दो पफ बनानी है, और दो पफ के बीच में हमें दो दो चैन का स्पेस देना है। फिर ये देखिए, हमने दो पफ के बीच में हमने यहाँ पे दो पफ बनाया, और बीच में हमने यहाँ पे दो चैन हमने बनाया। फिर हमें यहाँ पे एक दो तीन, अगर आपको तीन चैन ठीक लगे तो आप तीन चैन लेके चल सकते हैं, या तो अगर आपको लगे कि टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पर चार चैन भी आप बना सकते हैं। फिर जो हमारा अगला दो पफ के बीच का जो स्पेस है, अब हमें यहाँ पर बनानी है। ये देखिए, हमने दो पफ के बीच में हमने दो पफ बना लिया। फिर हमें यहाँ पे तीन चैन बनानी है, एक दो तीन। फिर जो हमारा अगला दो पफ है उसके बीच में जो स्पेस है, जो हमने यहाँ पे दो चैन बनाया था, अब हमें यहाँ पे दो पफ बनाना है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें इसे बना लेना है। और जितनी लाइनें आप बनाना चाहें आप उतनी लाइनें बना सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो ये वाली पोर्शन है यहाँ पर हमें चैन को बढ़ाते हुए जाना है। हमने यहाँ पर भी तीन चैन बनाया था, यहाँ पर भी हमने तीन चैन बनाया, अगली में हमें चार चैन। अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पर भी चार चैन बना सकते हैं, या तो आप तीन चैन भी रख सकते हैं। फिर उसकी अगली लाइन में फिर हमें चार चैन, फिर पाँच चैन, एक एक चैन हमें बढ़ाते हुए बनाना है। और ये दो पफ के बीच में हमें दो पफ बनानी है, और इन दो पफ के बीच में हमें दो ही चैन रखनी है। सिर्फ इस वाले इस पोर्शन में हमें चैन को बढ़ाना है। फिर अगली हमें जितनी भी लाइनें बनानी है उतनी लाइनें हमें बना लेना है। दो पफ के बीच में ही हमें दो पफ बनानी है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हमें इसे बना लेना है। जितनी लाइनें आपको बनानी है उतनी लाइनें आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लाइन हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हमने आठ चैन बनाया है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं,
बस हमें इस बात का ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पे 8 चेन बनाया है, फिर अगली में 9 चेन, फिर उसकी अगली में 10 चेन, इस चेन को हमें बढ़ाते हुए जाना है और इसे जितनी लाइन आपको बनानी है उतनी लाइन से आप बना सकते हैं। ब्लू कलर से हमने ये कंप्लीट कर लिया। फिर हमें यहाँ पे ज्वाइन करके धागे में एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद फिर अब हमें ये देख रहे हैं ये किनारा, ये अब हमें किनारा बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये इस तरह स्ट्रेट इसे हमें इस तरह खड़ा रखना है। अब हमें ये वाली पोर्शन बनानी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पिंक कलर ही लिया है। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगा लेनी है। ये हमने नोट लगा लिया। फिर हमें यहाँ पे ये देखिए ये जो है यहाँ पे इसे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। यहाँ पे जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद फिर इसे इस तरह ये देखिए इस तरह इसे हमें फोल्ड करके इसे पकड़ना है। तो ये जो हमारी चैन की लड़ियाँ हैं ये देखिए बिल्कुल सीधी सीधी हमें ये दिखेगी, इसे में हमें बनाना है। फिर हमें यहाँ पे चार चैन 1 2 3 4 इसे हमें इस तरह पकड़ना है। ये देखिए फिर जो अगली चैन की लड़ियाँ हैं नीचे से हमें हुक को डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर चार चैन 4 फिर हमें हुक के नीचे ये जो चैन की लड़ियाँ उसके नीचे से हुक को डालना है। फिर सिंगल क्रोशिया 4 इसी तरह हमें जितनी भी चैन की लड़ियाँ हैं सभी में हमें इस तरह बना लेना है। 4 चैन फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर 4 चैन फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। सिंगल क्रोशिया से फिर हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। फिर 4 चैन फिर ये जो हमारी पिंक वाली है ये देखिए ये जो पिंक का जो पफ हमने बनाया है इसके नीचे से हमें इसके बीचों बीच ये देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो चैन की लड़ियाँ जो हमने बनाया है ये बिल्कुल बीचों बीच हमने ये बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह ये दिखेगा बनने के बाद। फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो चैन की लड़ियाँ हैं यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे पफ बनानी है। तो लूप को हमें लंबा करना है 5 टाइम 1 2 3 4 5 पांच टाइम हमने धागे को निकाला। सभी धागे को हमें ले लेना है। फिर 2 चैन फिर हमें अब हमारे यहाँ जितनी भी जो हमने 4 चैन जो हमने बनाया है इन सभी में हमें पफ बनानी है। तो 5 टाइम धागे को निकालना है 1 2 3 4 5 और सभी धागे को हमें इस तरह निकाल लेना है। फिर इसे हमें पैक कर लेना है। फिर 2 चैन फिर जो अगला है यहाँ पे हमें बनानी है 1 2 3 4 5 सभी धागे हमें ले लेने हैं। फिर इसे पैक करना है। फिर 2 चैन ये देखिए बीच में हमें यहाँ पे 2 2 चैन बनाना है और ये जो हमने चैन के ये जो हमने बनाया है इसमें हमें पफ बनाना है। 5 टाइम धागे को निकालना है और फिर बीच में हमें यहाँ पे 2 चैन बनाना है। इसी तरह हमें ये पूरी जितनी भी हमारी यहाँ तक है यहाँ तक हमें इसे बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी चैन में हमने इस तरह पफ बना लिया है और सभी के बीच में हमने यहाँ पर 2 2 चैन हमने बना लिया। ये देखिए ये इस तरह बिल्कुल लगेगा दिखने में। फिर यहाँ पर हमने जो लास्ट पफ बनाया है फिर यहाँ पर हमें 2 चैन फिर जो हमारा ये देखिए दो पफ के बीच का जो स्पेस है हमें इस तरह धागे को हुक में लेना है। जो स्पेस है यहाँ पर हमें डालना है। हमें यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला लेना है 1 धागा फिर 2 धागा फिर 2 इस तरह हमें यहाँ पे बनाना है। डबल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर 1 2 3 4 चैन ये जो हमने बनाया है इसके पीछे से ये देखिए यहाँ पर हमें इसे जो स्पेस है इसके पीछे से हमें हुक को डालना है। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया फिर बनानी है हमें। तो पहले हमें 1 धागा लेना है
एक लूप लेना है, फिर दो लूप, फिर दो लूप, फिर चार चैन, फिर पीछे से हमें हुक को डालना है, फिर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमें बनानी है, पांच टाइम हमें बनानी है, दो टाइम हमने बना लिया। पहले हमें एक लूप लेना है, फिर दो लूप, फिर दो लूप, फिर चार चैन, फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके पीछे हमें हुक को डालना है। ये देखिए जो स्पेस है सिंगल क्रोशिया से इसे हमें बंद कर देना है। ये देखिए फिर बनानी है एक लूप, फिर दो लूप, फिर दो लूप, चार चैन, फिर बैक साइड से हमें डालना है इसे सिंगल क्रोशिया से इसे पैक करना है। एक दो तीन चार, फिर चार चैन, फिर ये देखिए हर डबल क्रोशिया के पीछे हमें डालना है और फिर सिंगल क्रोशिया से इसे हमें बंद कर देना है। फिर दो चैन, फिर ये जो हमारे अगली जो चैन की लरियाँ हैं यहाँ पे हमें बनाना है, तो इसे हमें इस तरह 50-50 करके इस तरह हमें इस तरह इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह हमें आसानी से जो चैन है ये हमें इस तरह ये दिख जाएगी आसानी से, तो बनाने में हमें आसानी होगी। दो चैन हमने यहाँ पे बनाया, इस तरह हमने इसे फोल्ड करके पकड़ा है और नीचे से नीचे साइड से हमें ये देखिए नीचे साइड से हमें हुक को डालना है, फिर सिंगल क्रोशिया से इसे बंद करना है, जॉइंट कर लेना है। फिर चार चैन, फिर जो अगली है उसमें फिर हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, फिर चार चैन, इसी तरह जितनी भी है सभी में हमें इस तरह जॉइंट कर लेना है। फिर जो लास्ट में जो हमारी पिंक वाली जो है इसे हमें ये देखिए जो बीच ऊपर वाली जो स्पेस है यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर टर्न, फिर जो चैन की लरियाँ हैं हमारी यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया, फिर लूप को हमें बड़ा करना है, फिर यहाँ पांच टाइम, एक दो तीन चार पाँच, सभी धागे को हमें ले लेना है, फिर इसे इस तरह पैक करना है। फिर दो चैन, फिर जो अगली है हमें जो पफ बनानी है, ये जो हमने चार चैन जो हमने बनाया है ये देखिए इसी में हमें पफ बनानी है। तो हमने यहाँ पे दो चैन लिया, फिर पांच टाइम, एक दो तीन चार पाँच, सभी धागे को हमें ले लेना है, फिर इसे हमें इस तरह पैक करना है। फिर दो चैन, फिर जो अगला है अब हमें यहाँ पे बनाना है, इसी तरह हमें जितने भी हैं सभी में हमें इस तरह बना लेना है। ये देखिए ये हमने सभी में हमने इस तरह बना लिया है, ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पे बना लिया। फिर ये जो लास्ट पफ है हमारी यहाँ पे, फिर दो चैन, फिर जो ये दो पफ जो हमारा है ऊपर वाली लाइन में दो पफ के बीच में हमें इस तरह ये फाइव टाइम हमें बनानी है। सबसे पहले एक लूप हमें लेना है, फिर दो, फिर ये दो, फिर चार चैन, और ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया इसके बैक में हमें पीछे साइड में डालना है हुक को, और फिर सिंगल क्रोशिया से इसे हमें जॉइंट करना है। फिर एक दो दो, फिर चार चैन, फिर पीछे वाली स्पेस में हमें हुक को डालना है सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर पीछे साइड में हमें हुक को डालना है, फिर सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। फिर दो चैन, एक दो, फिर अगली जो लाइन है हमारी फिर उसे इस तरह हाफ ऑफ करके इस तरह हमें इसे फोल्ड करना है। तो फिर ये जो चैन है यहाँ पे हमें हुक को नीचे से हुक को डालना है और फिर सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। फिर चार चैन, फिर जो अगली लाइन है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, एक, फिर चार चैन, बीचों बीच हमें जॉइंट करना है। ये देखिए बीचों बीच सिंगल क्रोशिया, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर जो हमारा पिंक है इसे हमें नीचे से देखिए इस तरह, ये देखिए बीच वाले पोर्शन में हमने डाला है हुक को, पिंक का जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, फिर इसे टर्न करना है। फिर ये जितने भी हमने ये चार चार चैन जो हमने बनाया है ये देखिए सभी में हमें पफ बनानी है। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह बनेगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये कवर है, ये देखिए इस तरह स्ट्रेट इसे हमें खड़ा ही हमें इसे रखना है। ये देखिए इस तरह, इसी तरह हमें
पूरी थाल्पोस्कोप में इसी प्रोसेस से इसे कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का। ये हमारा पहला तरीका था। दूसरे तरीके में मैं आपको मोती के साथ इसे बताऊँगी कि मोती के साथ इसे हमें कैसे बनाना है। ये देखिए, इसे हमने मोती के साथ भी हमने ये किनारा बनाया है। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। सेम प्रोसेस है, हमने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है। फिर चार चैन से लेके चार चैन बना के फिर हमें सभी चैन में चार चैन करके हमें सभी चैन में हमें जोड़ लेना है। ये हमने सभी में ये चार चार चैन करके सिंगल क्रोशिया से हमने जॉइंट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके इसे टर्न कर लिया। फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर यहाँ पे हमें एक पफ बनानी है। दो तीन चार पाँच, पाँच टाइम हमने धागे को लिया, सभी को हमें इस तरह ले लेना है। फिर ये जो लूप है हमारे से लूप को हमें लंबा करना है। फिर हमें एक मोती लेनी है, फिर हमें इसमें डाल देना है। फिर इसे हमें इस तरह बंद कर लेना है। फिर हमें अगला लेना है, ये जो अगली है यहाँ पर फिर हमें बनानी है। एक दो तीन चार पाँच, सभी धागे फिर इसे पैक कर लेना है। पैक करने के बाद ही हमें लूप को लंबा करना है। इसमें हमें एक मोती ऐड करनी है। फिर इसे हमें इस तरह पैक कर लेना है। फिर जो अगला है, अगला में फिर हमें बनानी है सभी धागे को हमें ले लेना है। फिर इसे पैक कर लेना है। फिर लूप को लंबा करना है। फिर एक मोती हमें लेनी है। फिर इसे हमें इस तरह धागे को हमें टाइट ही रखना है, लूज नहीं रखना है, टाइट रखना है। फिर इसी तरह हमारी जितनी भी है सभी में हमें इस तरह बना लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये मोती के साथ ये इस तरह दिखेगा। फिर हमें यहाँ पे हमने पफ बनाया है लास्ट में। फिर हमें यहाँ पे लूप को लंबा करना है, एक मोती हमें ऐड करनी है। फिर ये बीच वाले पोर्शन में हमें बनानी है। पहले एक लूप हमें लेना है, फिर दो, फिर दो, फिर एक चैन लूप को हमें लंबा करना है। फिर हमें यहाँ पर एक मोती ऐड करनी है। फिर इसे पैक करना है। फिर एक चैन, फिर सेम प्रोसेस, यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से पीछे साइड सिंगल क्रोशिया से इसे हमें जॉइंट कर लेना है। फिर उसी तरह इस तरह हमें पांच टाइम बनाना है। पहले एक, फिर दो, फिर दो, फिर एक चैन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर एक मोती हमें ऐड करनी है। फिर इसे पैक, फिर एक चैन, फिर बैक साइड में इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। इस तरह हमें पांच टाइम हमें बना लेना है। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच टाइम हमने इसे बना लिया। फिर लूप को हमें लंबा करना है। यहाँ पे हमें एक मोती ऐड करनी है। फिर हमें अब जो हमारी ये चैन है इसे फिर इस तरह फोल्ड करना है। और फिर हर में हमें इस तरह सिंगल क्रोशिया से इसे हमें जॉइंट करना है। फिर चार चैन, फिर अगले में जॉइंट करना है। इसी तरह हमें सभी में चार चार चैन बनानी है। और फिर सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है। ये देखिए, इसी प्रोसेस से इसे हमें ये बना लेना है सभी में। मैंने आपको दो तरीका बताया है, या तो बिना मोती का भी आप किनारा बना सकते हैं, या तो आप मोती के साथ भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमें ये पूरे थाल्पोस को कंप्लीट कर लेना है। ये जब थाल्पोस बन के हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये हमारी लास्ट वाली है। फिर जहाँ से हमने इसे, ये देखिए, हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हमने यहाँ पे जॉइंट किया था, तो इसी पोर्शन पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेना है। एक दो, दो बार हमने इसे जॉइंट कर लिया। फिर एक चैन, फिर धागे को हमें ये कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स,
अब इस तरह भी मोती डाल के भी आप इसे बना सकते हैं और इस तरह प्लेन भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने आपको दो तरीका बताया है, अब जो तरीका से आप बनाना चाहें उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इस पूरी थालपोच को हमें इसी प्रोसेस से इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह नई नई चीज़ें बनाने को सीखें। और घंटा घड़ी पर क्लिक ज़रूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।